बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस आज हम उर्दू अलिफ के लेसन नंबर जो है 2 नामुमकिन से मुमकिन के सफ़र इसके मशकी सवालात करेंगे। इससे पहले इस लेसन की हम रीडिंग भी कर चुके हैं और अल्फाज वाले जुमले भी कर चुके हैं। आज इस लेसन के क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। आपने टेस्ट कॉपीज के ऊपर करना है, जिस तरह आपको क्लास वर्क में काम करवाया जाता है क्लास में, इसी तरह आपने सबसे पहले आप लेसन का नाम लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप करके सवालों के जवाब दें। मार्कर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, नीटली आपने काम करना है। नंबर 1 इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, आग जलने के इल्म के मुशाहिदे से इंसान को क्या पता चला। इसका आंसर है, जब इंसान ने मुशाहिदा किया कि आग जलाई जाती है तो धुआं फिजा में बुलंद होता है, यानी आग जलने के मुशाहिदे से पता चला था कि आग जलाई जाती है तो धुआं फिजा में बुलंद होता है। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किस्म में किस उड़ने वाली चीज का तस्करा मिलता है। इसका आंसर है, किस्म में उड़ने वाली जादुई कालीन का तस्करा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ब्रादरान ने पहली बार कब और कितनी देर तक फिजा में प्रवास की। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कि राइट ब्रादरान ने पहली बार कब प्रवास की थी। राइट ब्रादरान ने पहली बार 17 दिसंबर 1903 में प्रवास की। और इसके दूसरे पार्ट आंसर है, आर्विन 12 सेकेंड और विल्बर 69 सेकेंड फिजा में रहा। यानी दोनों हमलों के टाइमिंग के साथ पूछी गई है कि आर्विन 12 सेकेंड और विल्बर 69 सेकेंड फिजा में रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ब्रादरान ने हवा में उड़ने का पहला तजुर्बा कब किया। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके पहले पार्ट से ये मिलता जुलता है, वही बात जहाँ पर पूछी गई है, वहाँ था कि पहली बार कब प्रवास की, यहाँ उड़ने का तजुर्बा पूछा गया है, वही इसका भी सेम आंसर है। राइट ब्रादरान ने हवा में उड़ने का पहला तजुर्बा 17 दिसंबर 1903 में किया। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले जहाज का नाम क्या रखा गया और वो कहाँ मौजूद है। इसका आंसर है, सबसे पहले जहाज का नाम किटी हॉक रखा गया, जो नेशनल एयर म्यूजियम वाशिंगटन में अभी भी मौजूद है। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, यानी पहले जहाज का नाम पूछा और वो कहाँ मौजूद है। पहले जहाज का नाम किटी हॉक और नेशनल एयर म्यूजियम वाशिंगटन में अभी भी मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन है कि आज के दौर में हवाई जहाज की कौन कौन सी इकसाम है। चंद का जिक्र करें, यानी हवाई जहाज के नाम बताने हैं, नीज इनको किन कामों के लिए, किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा, हवाई जहाज की कई इकसाम हैं, यानी हवाई जहाज के नेम हम बताएंगे, जिनमें ग्लाइडर, पंखों वाले जहाज, रॉकेट जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह शामिल हैं। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया, यानी जहाज के नाम। अब दूसरा पूछा है कि किस किस काम के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके काम ये हैं कि ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और सफ़र के मकासद के अलावा जंग के मौके पर भी काम आते हैं। आपके ये 6 क्वेश्चन आंसर हैं। आपने टेस्ट कॉपीज के ऊपर करने हैं और स्टार्ट में मैं तरीका बता चुकी हूँ कि जिस तरह क्लास का काम करवाया जाता है, इसी तरह आप प्रॉपर तरीके से सबसे पहले लेसन का नाम लिखेंगे, फिर आप मशकी सवालात की हेडिंग देंगे और मार्कर के साथ क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप करके जब एक क्वेश्चन कंप्लीट आंसर जब लिख चुकेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को लिखने से पहले एक लाइन स्किप करेंगे ताकि काम लिखकर नीट हो। अच्छे तरीके से आपने ये काम लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।